अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है मेरे बहन भाइयों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं ना आज बना रही हूँ प्याज़ों वाले पकोड़े, ये बंद गोभी प्याज़ों वाले लच्छेदार, ठीक है। ये मैंने ऐसे बारीक बारीक काट लिए, ये बेसन भी मैंने डाल दिया है। ये देखें, आधा चम्मच नमक का, आधा चम्मच दादरी मिर्च का, आधा पाउडर मिर्च, आधा चम्मच कुटा हुआ धनिया, हरी मिर्च, धनिया, ये डाल के ना हम मिक्स करते हैं इसके। आप बनाए बहुत मज़े के ये पकौड़े बनते हैं, बंद गोभी के प्याज़ों वाले लच्छेदार, ये आप बनाए ज़रूर, इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगे, आपके घर वालों को भी। आप बना के ट्राई करें, मैं आपको मिक्स करके ना फिर दिखाती हूँ। जी तो व्यूअर्स, यहाँ पर तेल जो सा है वो गर्म हो चुका है। तो अब हम लोगों ने जो आप लोगों के सामने आज हम तैयार कर रहे हैं बंद गोभी और लच्छेदार प्याज के पकोड़े, वो हम लोगों ने फ्राई होने के लिए डाल दिए हैं। घी को आप लोगों ने खास प्रेशर पे गर्म करना है, उसके बाद आप लोगों ने जो से हैं इसके अंदर वो पकोड़े शामिल करने हैं। तो हम अब मम्मा ने वन बाय वन डालने शुरू कर दिए हैं। तो व्यूअर्स, आप लोगों ने किया जाए वीडियो को पूरा देखना, देखना कि मज़ेदार से जो से बंद गोभी और लच्छे वाले प्याजों के जो पकौड़े हैं, यूनिक सी रेसिपी है जो हम शेयर कर रहे हैं, वो कैसी बनती है। देखिए माशाल्लाह कितने प्यारे हो गए हैं। लच्छे वाले प्याज काटे थे ना मैंने बंद गोभी वाले, ये वो पकौड़े इतने मज़े के बनते हैं, आप बनाएं बच्चों को खिलाएं, बहुत अच्छे बनते हैं। हाँ जी, ये देखें कैसे मज़े के बने हैं, ये देखें, ये देखें प्याज बंद गोभी, ये देखें कैसे मज़े के बने हैं। साथ दही की चटनी है, आप बनाए ज़रूर बनाए। जी तो व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी जो सी आज की रेसिपी है, जो हमने पकौड़े आपको बनाने सिखाए हैं, प्याज़ों वाले लच्छे वाले जो से पकौड़े हैं वो हमने आज आपको सिखाए हैं, तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करें, हमें अपनी फीडबैक दें। तो व्यूअर्स, अब आप लोगों से इजाज़त चाहते हैं, इंशाल्लाह एक नई रेसिपी लेकर दोबारा हाज़िर होंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।